और राकेश टिकैत क्या बोल रहे हैं, उनसे बातचीत की है जी न्यूज संवाददाता ने, क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत, आइए आपको सुनाते हैं। सर, कल बातचीत के लिए टाइम रखा गया है, उससे पहले ट्रैक्टर रैली, कितना प्रेशर पड़ेगा सरकार के ऊपर? नहीं नहीं, ये तो ट्रैक्टर को घुमा के जाओगे, प्रेशर थोड़ा, प्रेशर तो दिल्ली में जाते तो पड़ता, ये तो बाहर को जो आउटर रिंग रोड है दिल्ली की, जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, इस पर वो ट्रैक्टर को लेकर जाएंगे और ये दो पार्ट में यहाँ पे उत्तर प्रदेश उसमें रहेगा। पहले यहाँ से गाजीपुर किसान क्रांति गेट से चल गए और ये जो बुलंदशहर दादरी वाला है ये वहां तक जाएगा, वापसी आ जाएगा। ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली आज आयोजन है, क्या ये लगातार 26 जनवरी तक का प्रैक्टिस के रूप में देख रहे हैं? ये गांवों में लोग करते रहेंगे और गांवों में हमारे लोग जाएंगे, वहां पर मीटिंगें करेंगे और सरकार नहीं मान रही है तो अपनी तैयारी तो करनी पड़ेगी। 7 दौर की बातचीत हुई और कोई नतीजा नहीं निकला, आप अपनी मांग पर अड़े हैं, सरकार उसमें बदलाव के लिए लगातार कह रही है, कोर्ट को भी यही जवाब दिया है, तो आपको लगता है कल की बातचीत से कुछ उम्मीदें हैं, कुछ रास्ता निकलेगा, कोई हल निकलेगा, जो गतिरोध है खत्म होगा? देखो, हम इसी उम्मीद के साथ में जा रहे हैं कल भी, और भाई जितनी बार सरकार से बातचीत होगी जाएंगे, तो बिना मुकदमे की तारीख है ना, बिना मुकदमे की तारीख है कि मुकदमा लिखने की यार तारीख लग रही, ये तो अजीब केस है भाई। सरकार को एक बार बता दिया कि ये 3 कानून वापसी लेने पड़ेंगे, अब वो अब ले ले वापसी या 2024 तक ले ले, यहां तो कहीं जाना, 2024 मई तक हम यहीं रहेंगे। तो कल सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से ये संवाद होगा और उससे पहले ये ट्रैक्टर मार्च, और जैसे कि राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि सरकार नहीं मान रही है तो तैयारी तो हमें करनी होगी, तो 26 जनवरी को ये एक बड़ा मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं किसान, और उससे पहले आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का ट्रेलर है, ये एक रिहर्सल की जा रही है 26 जनवरी को जिस परेड की घोषणा कर चुके हैं किसान, यानी कि तैयारी पूरी है, ये 26 जनवरी की रिहर्सल की जा रही है, ये आज का ट्रैक्टर मार्च, आज की ये ट्रैक्टर रैली, किसानों का एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन, संवाद से पहले दबाव बनाने की कोशिश कि सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store, डाउनलोड इट नाउ।